हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी नीट 2024 का एग्जाम्स आने वाले हैं और 100 दिन बचे हैं। 100 डेज का स्टडी प्लान के रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक बात कर लेते हैं। अभी सिंपली 13 वीक बचे हैं, आप कैसे प्रिपेरेशन करोगे, आप कैसे स्टडी करोगे, उसके कैसे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को फोकस करोगे, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वीक वाइज आप कैसे फोकस करोगे, उसके रिगार्डिंग बात करें तो पहले जो 2 वीक होते हैं आपको उसमें सब्जेक्ट वाइज फोकस करना है। जैसे आपको रिव्यू करना है नीट के टॉपिक्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज, एक दिन आपको फिजिक्स करना है, दूसरे दिन आपको केमिस्ट्री करना है, ऐसे अल्टरनेट डेज से आपको करते रहना है। उसके साथ आपको स्कूल पे भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि 12th का बोर्ड का एग्जाम है, उसके बीच में आपको रोटेट करते रहना है, नीट बायोलॉजी 12th बोर्ड एग्जाम रोटेट करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, और प्रैक्टिस के साथ कैरी ऑन भी रहने हैं। वीक 3 और 4 की बात करें तो उसमें आपको जो आपका वीक एरिया है उसको पकड़ना है, जहां पे आप मतलब बोल सकते हैं आपको बहुत ज्यादा ही कमजोरी है, इस पॉइंट टॉपिक को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा ही डाउट है, उस पर फोकस करना। जैसे वीक एरिया नीट फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो तो उस पर ज्यादा टाइम देना उस टॉपिक को क्लियर करने में, और उस वो वीक पॉइंट को आपको कैसे करने करके आपको स्ट्रेंथ आपका होना चाहिए वीक पॉइंट पे। टारगेट करना है नीट बायोलॉजी कंसेप्ट को और उसको रिवाइज करते रहना है, और उसको रिवाइज करते रहना उसके सारे चैप्टर्स को फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसका वीक 5 और 6 की बात करें तो वहां पे आपके बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन आ जाते हैं, इसके लिए वहां पे आपको नीट का रिवीजन थोड़ा बहुत करते रहना है, और थोड़ा बहुत आपको मेन टारगेट होना चाहिए 12th का बोर्ड का एग्जाम रहते हैं अपकमिंग, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करो, उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करते रहना डेली बेसिस पर। वीक 7 और 8 में क्या करना है, सिंपली आपको मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है, और मॉक टेस्ट में आपको एक तरह का फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपको लगाना है फॉर बोथ नीट के लिए और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद उसके रिजल्ट को एक बार एनालिसिस करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपको वीकनेस क्या है, फिर उसके बाद उसी वीकनेस को पकड़ के उसको इम्प्रूव कर रहा है, और प्रैक्टिस के साथ उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके उसको रिविजन करना है बैक टू बैक, और उसके जो टॉपिक्स को आपको स्ट्रेंथ में लाना है। उसका वीक 9 और 10 की बात करें तो फाइनल इंटेंसिव रिविजन होता है, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपने जितना स्टडी कर लिया उस पे एक बार आपको रिवीजन करना होता है कि उसमें आपको कहां पे कितना वेटेज आपका आ रहा है और कहां पे आपको बहुत ज्यादा थोड़े पढ़ने की जरूरत है, उस मोमेंट पे आपको रिवीजन करना है। वीक 11 12 की बात करें तो आपका स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, उसमें नॉर्मल आपको क्या करना होता है कि आपने पढ़ लिया आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मुझे आई एम प्रिपेयर फॉर द नीट, वहां पे आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगाने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और आपको क्या करना है सारे सब्जेक्ट को एक बार रिविजन कर लेना है, रिविजन करने का आपको देख लेना हाँ आई एम प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और वीक 13 में क्या होता है, एक तरह का लास्ट मिनट प्रिपरेशन होता है, वहां पे क्या करना होता है आपको फॉर्मूला डायग्राम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थोड़े थोड़े क्यूजेस लगाने होते हैं, उसको आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम बात करते हैं 100 डेज स्टडी प्लान फॉर नीट 2024 विद बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम्स। आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे फिजिक्स को केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करते रहना है, बोथ बोर्ड एग्जाम और नीट के प्रिपरेशन आपको साथ में करते रहना है, और स्पेसिफिक आपको दोनों को टाइम स्लॉट देना है हर एक सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक को, और आपको वो दोनों में आपको काम देने वाला है फॉर द वेटेज के लिए। और आपका जो वीक है आपको जो स्ट्रेंथ है आपको ज्यादा टारगेट करना है वीक पॉइंट को, और स्ट्रेंथ को बना के रखना और वीक को आपको स्ट्रेंथ में लाना है, और आपको नॉर्मल एक एक टॉपिक को फोकस करना, उसको टारगेट को फोकस करना, उसके जो मतलब आपके जो डाउट्स उसको क्लियर करके मूव ऑन करते रहना है। अभी हम आपको बता देते हैं एक नॉर्मल एक रेफरेंस के तौर पर डेली रूटीन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। नॉर्मल मॉर्निंग आपको क्या रहता है, 7 से 8 बजे का करना आपको नॉर्मली फिजिक्स पढ़ना होता है, वहां पे नॉर्मल आपको क्या करना है कंसेप्ट की और प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। 8 से 9 में नॉर्मली आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है, वहां पे आपको स्पेसिफिक सेक्शन है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है उस पर आपको टारगेट करना है। उसके बाद आपका स्कूल का टाइम आ जाते हैं तो वो स्कूल का करिकुलम होता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल का है। उसके बाद 3 से 4 बजे तक आपको नॉर्मल लंच और ब्रेक करना होता है, नॉर्मल आप ब्रेक ले लो लंच कर लो और नॉर्मल थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। उसके बाद आफ्टरनून का सेशन स्टार्ट होता है, 4 से 5 बजे तक आपको बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसके सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, जो मतलब अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको आपको टारगेट करना है। 5 से 6 बजे आपको नॉर्मली बायोलॉजी पढ़ना है, वहां पे बॉटनी और जूलॉजी को अल्टरनेट पे आपको बॉटनी और जूलॉजी एक दिन बॉटनी एक दिन जूलॉजी आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद नॉर्मल आपका इवनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है, 6 से 7 बजे आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, जो नीट के जो मॉक टेस्ट होते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके आपको प्रैक्टिस करते रहना है। 7 से 8 बजे आपको रिविजन करना है, नोट मेकिंग बनाना है, आपको क्या करना है डे का लर्निंग जो होगा वो करना है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे जो उसका बहुत ज्यादा की पॉइंट्स के थ्रू आपको नोट्स बनाते रहना है।
उसके बाद आपका नाइट सेशन स्टार्ट होता है 8 से 9 बजे तक। उसमें आपको नॉर्मल कंसेप्ट रिव्यू करना है, जिसके जो की कंसेप्ट है, जहां पे आपको डाउट है उसको क्लियर करो, उसके कंसेप्ट को नॉर्मली एकदम शॉर्ट नोट में लाओ, जिसका आपको मतलब नॉर्मल डायरेक्ट इजिली याद हो जाए उसको। 9 से 9:30 बजे आपको नॉर्मल एक होता है रिलैक्सेशन और लेजर का टाइम होता है, वहां पे नॉर्मल आप कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे टीवी देखो, फोन चला लो, कुछ भी कर लो। 9 से 9:30 मिनट्स का आपको टाइम होता है। बिफोर बेड जाने से पहले आपको 9:30 से 11 बजे तक आपको सिंपली रिवीजन करना है, आपने फुल डे में जो पढ़ा है उसको एक बार नाइट में आकर आपको नॉर्मल रिवीजन कर लेना, देख लेना आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या न्यू चीजें आपको सीखने को मिली। तो उसके बाद आपका ये फुल डे का एक रेफरेंस टाइम टेबल है जिसको आप फॉलो ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।